Have you found the perfect pair of jeans? If not, then watch this video till the end. Hi everyone, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you doing fine. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ a denims or jeans haul. All of them are going to be under a budget of 1000 rupees. So मैंने ये सारे jeans लिए हैं Amazon से and इस बार मैंने cargo jeans भी लिए हैं, ripped jeans भी लिए हैं, paper bag jeans भी लिए हैं, wide leg jeans भी लिए हैं. So बहुत सारी variety के लिए हैं and बहुत अच्छी quality के. तो चलिए बिना time waste किए जल्दी से video start करते हैं. But usse mere guys, if you have not subscribed, then please do. It is absolutely free and it really motivates me to bring more videos for you. Aur video agar aapko achhi lage, then please give it a thumbs up. So let's get started. Amazon पे एक ब्रांड मिलता है AKA Chick और वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है फॉर जीन्स बिकॉज उनकी सारी जीन्स बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं, अंडर 1000 रुपीज होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और स्टाइलिश बहुत होती है. तो इस बार Amazon पे AKA Chick के जीन्स का पूरा एक न्यू कलेक्शन आया हुआ था जिसमें कि बहुत ही स्टाइलिश जीन्स थी. द फर्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस वन विच इज माई मोस्ट फेवरेट वन एंड दैट इज दिस ब्यूटिफुल लाइट ब्लू कलर जीन्स. इसका जो लाइट ब्लू कलर है ना गाइज, इट्स जस्ट परफेक्ट लाइट ब्लू कलर. मतलब ऐसा कलर मिलना भी ना बड़ा मुश्किल है. सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट फिट एंड अ रिब्ड जीन्स. मैं पर्सनली ज्यादा रिब्ड जीन्स नहीं पहनती हूँ बट ये वाली इतनी सही रिब्ड है. ये एकदम नी से रिब्ड आती है, बहुत ज्यादा रिवीलिंग नहीं है सो आप कंफर्टेबली पहन सकते हो. इसकी लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट आई है. इसका मटीरियल गाइज बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. तो डेफिनेटली इसको आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग ही लेना होगा. डेफिनेटली काफी हाई वेस्ट है ये. सो अगर आप टक इन करके इसके साथ रिब्ड टॉप्स पहनो तो बहुत ही अच्छी लगेगी. इसका रिब जो है ना वो इतना स्मार्ट लगता है पहना हुआ और आई थिंक किसी भी आउटफिट को ना ये और ज्यादा स्टाइलिश बना देगी. सो मैंने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग पे पहना था और ये इतनी कंफर्टेबल मुझे लगी. मैंने इसको आराम से 5-6 घंटे पहना था एंड दिस वॉज सुपर कंफर्टेबल टू वेयर. ऑल्सो इसका प्राइस है 959 रुपीज विच आई थिंक इज कम्प्लीटली थेट बिकॉज ये बहुत अच्छी क्वालिटी की जीन्स है और जीन्स तो गाइज एक टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और बहुत बहुत देर तक लास्ट करती है. आई थिंक दिस इज जस्ट द परफेक्ट जीन्स फॉर समर्स बिकॉज इसके अंदर रिप्स हैं और एकदम स्ट्रेट फिट है, एकदम चिपकी चिपकी नहीं आती है. अंदर से भी इसका मटीरियल बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुपता नहीं है. इसमें जो साइज गाइज मैंने लिया था वो था 28 और 28 मुझे एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है. सो अगर आपको इस पूरे हॉल में से ना कोई एक जीन्स लेनी है देन आई विल रेकमेंड यू टू गेट दिस वन एंड आई कैन बेट दैट यू विल नॉट रिग्रेट. तो पेपर बैग जीन्स आजकल बहुत फैशन में है दो चीजों के लिए, कि पहन के बहुत स्टाइलिश लगती है और सुपर कंफर्टेबल होती है गाइस. ऐसा लगता है कि आपने पजामा पहना हुआ है. सो आई गॉट अ वेरी वेरी स्टाइलिश पेपर बैग जीन्स फ्रॉम Amazon. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो मेरे पास इस कलर की जो न्यूड ब्राउन कैमल कलर है, इस कलर की मेरे पास कोई भी जीन्स नहीं थी. जब मुझे दिखी इसमें एक पिंक कलर भी था बट मुझे ये ज्यादा बेटर लगा बिकॉज ये ज्यादा वर्सटाइल है और बहुत सारी चीजों के साथ ये जाएगा. सो मैंने इमीडिएटली ये वाला ले लिया. सिर्फ एक गलती इसमें मुझसे हुई कि मैं यूजुअली AKA Chick में हमेशा 28 साइज ही लेती हूँ, मुझे हमेशा 28 फिट होता है बट ये मुझे 28 में स्लाइटली लूज लग रही है ज्यादा. तो आई थिंक मैं इसका साइज एक्सचेंज करवा के 26 लेने वाली हूँ. सो ये भी AKA Chick ब्रांड की ही है और इसका प्राइस था गाइज 999 रुपीज एंड काफी अच्छी क्वालिटी इसकी. इसका मटेरियल डेफिनेटली स्ट्रेचेबल नहीं है, इसकी लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है. ऊपर से जैसे कि आप देख सकते हो इसकी वेस्ट जो है वो पेपर बैग डिजाइन की है तो यहाँ पीछे इलास्टिक लगा होता है जो कि सुपर स्ट्रेचेबल होता है. सो वेस्ट से ये इतनी कंफर्टेबल होती है ना ट्रैवल के लिए या फिर जब आपको लॉन्ग आवर्स के लिए कोई जीन्स पहननी, कुछ आपको ड्यूरेबल सा प्रोडक्ट चाहिए लॉन्ग आवर्स के लिए ट्रैवल के लिए, डेफिनेटली आप ये वाला ले सकते हो. बहुत अच्छा सा न्यूड ब्राउन कलर है तो बहुत सारी चीजों के साथ जाएगा. आप किसी कलर के साथ पहनो इसको, ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ, पिंक के साथ, नियॉन के साथ, येलो के साथ, किसी के साथ भी पहनो. ये ऐसा कलर है ना कि ये सबके साथ जाएगा. ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद द परचेज. इन्होंने जो एक्चुअल प्राइस लिखा हुआ है ना वो इन्होंने लिखा है 2999 रुपीज. सो वन थिंग आई हैव टू से कि मैंने पहले भी AKA Chick की जीन्स लिए हैं बट इस बार ये जो इनका न्यू कलेक्शन आया है ना इसकी क्वालिटी मुझे डेफिनेटली कुछ ज्यादा बेटर लग रही है, कुछ ज्यादा प्रीमियम लग रही है. आप देखो ये जो जीन्स का कपड़ा है ये काफी प्रीमियम लग रहा है. डेफिनेटली दिस वन इज ऑल्सो अ बिग थम्स अप. नेक्स्ट पेयर ऑफ जीन्स दैट आई गॉट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ जीन्स एंड अ वेरी स्टाइलिश वन एंड अ सुपर कंफर्टेबल वन. सो ये वाली भी मैंने AKA Chick से ही लिया बिकॉज इस बार जब मैंने AKA Chick का न्यू कलेक्शन देखा ना तो मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा कि मैंने उसकी ये सारी जीन्स ले ली. सो दिस इज द जीन्स दैट आई गॉट. इट्स अ ब्यूटिफुल डार्क ब्लू कलर, इसमें ज्यादा फेडिंग नहीं है, ओवरऑल यही कलर है पूरी जीन्स.
जीन्स में। सो इसका स्टाइल गाइज है कार्गो का, जैसे कार्गो पैंट्स होते हैं उसी स्टाइल में ये जीन्स है। कार्गो पैंट्स तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और ये जीन्स भी पहनने में गाइज बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका प्राइस जो मुझे पड़ा वो था 939 रुपीज, जो कि मुझे एकदम वर्थ इट प्राइस लगता है फॉर अ गुड पेयर ऑफ जीन्स। इसमें भी मैंने साइज दिया था 28, बट डेफिनेटली इट इज सुपर स्मार्ट पेयर ऑफ जीन्स। इसमें इन्होंने यहाँ पॉकेट्स दिए हैं, पीछे पॉकेट्स दिए हैं, सो आपके एंकल से आके ये एकदम फिटेड टाइट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी कैजुअल वेरी स्पोर्टी काइंड ऑफ लुक। इसके साथ आप टक इन करके टॉप्स पहन लो, इसके साथ आप वाइड स्नीकर्स पहन लो, एंड इतना स्मार्ट इतना अच्छा ये एयरपोर्ट लुक बन जाएगा ना। इसकी लेंथ गाइज मुझे आई थिंक थोड़ी सी लंबी आ रही है, और ये भी ना लाइक सुपर हाई वेस्ट है, बहुत हाई वेस्ट पेयर ऑफ कार्गो पैंट्स हैं ये, बट पहन के गाइस बहुत ही स्मार्ट लुक आता है इसका। और मेरे पास ऐसे स्टाइल की कोई भी जीन्स नहीं थी तो बढ़िया ही डिफरेंस सा लगता। सो इसका मटेरियल भी गाइस बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है ज्यादा, दो इसकी जो वेस्ट है ना इसकी वेस्ट काफी स्ट्रेचेबल है। नेक्स्ट पेयर ऑफ बॉटम वेयर जो मैंने लिया है इज अ वेरी वेरी यूजफुल वन, और ये ऐसा पेयर ऑफ बॉटम वेयर है जो हर लड़की के पास होना चाहिए बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाला है, एंड दैट इज दिस वेरी नाइस ब्लैक योगा पैंट्स। तो मेरे पास जितनी भी योगा पैंट्स है ना वो सारी बहुत ही स्किनी वाली है, और मुझे अब समर्स में बिल्कुल भी स्किनी पसंद नहीं है। सो ये वाली जो योगा पैंट्स है ना गाइज ये बूट कट या फिर जो आप बेल बॉटम कहते हो उस शेप में है, सो दे आर सुपर कंफर्टेबल। और इसका जो फैब्रिक है ना वो पॉलिएस्टर नहीं है, दिस इज कॉटन फैब्रिक। सो कॉटन फैब्रिक जो है समर्स में गाइज बेस्ट रहता है बिकॉज बहुत गर्मी लगती है। कलर इसका मैंने ब्लैक इसलिए लिया है बिकॉज ब्लैक एक ऐसा कलर है जो आप रेपिटेटिवली यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर आप योगा जाते हो जिम जाते हो तो आप कितने पैंट्स लोगे। ब्लैक ऐसा है कि आपने एक बार ले लिया तो बस आपको टी शर्ट चेंज करनी है, ऐसे आप दो ले लो तो आप बस रिपीट कर करके इसको पहन सकते हो। प्राइस इसका अफोर्डेबल था, दिस वॉज ओनली फॉर 499 रुपीज। तो अगर आप एक अच्छा वर्कआउट पैंट जिम पैंट योगा पैंट ढूंढ रहे हो ना और आपको मेरी तरह स्किनी पैंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। I forgot to tell you कि इसके ब्रांड का नाम है सोल स्पेस, और मैंने जिसमें साइज लिया है दैट इज अ स्मॉल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ डेनिम्स, एंड दिस वन इज द वेरी पॉपुलर वाइड लेग डेनिम्स। सो इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके जो कलर है इट्स दैट परफेक्ट मिक्स ऑफ लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू, जो इसके बीच का एक कलर होता है ना गाइज वो वाला कलर है इसका। सो जस्ट परफेक्ट है, एंड डेफिनेटली वाइड लेग है तो बहुत ही कंफर्टेबल है फॉर समर्स। वाइड लेग जीन्स को आप डेफिनेटली कुर्ताज के नीचे भी पेयर अप कर सकते हो और टॉप्स के साथ टक इन करके भी पेयर अप कर सकते हो। सो इसका ब्रांड भी गाइज AKA चिक ही था, मैंने मोस्टली AKA चिक के ही जीन्स लिए इस बार बिकॉज उनका कलेक्शन इतना अच्छा आया था और अंदर 1000 रुपीज इतना अच्छे थे सारे जीन्स। इसका मटेरियल भी गाइज काफी अच्छा है, इसके मटेरियल में बिल्कुल भी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, इसका जो वेस्ट है उसमें भी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, तो आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग ही लेना है। बट मैंने इसमें भी 28 लिया था और मुझे 28 लूज हो रहा है, मुझे यूजुअली AKA चिक का 28 एकदम परफेक्ट आता है, बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे इनके 28 कुछ कुछ जीन्स में लूज आ रहे हैं, तो आई विल हैव टू एक्सचेंज दिस फॉर 26। इसको मैंने लिया था गाइज फॉर 900 रुपीज, और मुझे काफी अच्छी डील लगी ये फॉर 900 रुपीज। इसके नीचे इस तरीके से ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरीके से पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है, सो बड़ा अच्छा सा रस्टिक सा इसका लुक आता है। सो ओवरऑल पहनने में सुपर कंफर्टेबल है, फैब्रिक इसका अंदर से भी बहुत कंफर्टेबल है, एकदम हाई वेस्ट आता है ये। सो अगर आपको एक अच्छी नाइस वाइड लेग जीन्स चाहिए जो कि समर्स में बहुत ही कंफर्टेबल लगती है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। दिस वर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट, एंड गाइस आई एम सुपर हैप्पी विद एवरीथिंग दैट आई गॉट, एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू गेट एनी वन ऑफ देम एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सो इसी के साथ गाइस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।